हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज हमारे पास एक मिक्सचर ग्राइंडर आया है तो ये चल नहीं रहा है। तो और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसका जो स्पीड कंट्रोल वाला स्विच है वो भी बराबर काम नहीं कर रहा है। तो मैं आज इसको पूरा रिपेयरिंग करके आप लोग का सामने में दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग आसानी से थोड़ा भी प्रॉब्लम जो होता है घर पे सॉल्व हो सकता है वो आप लोग कर सकता है, नहीं होगा तो आपको दुकान में लेके जाके करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रीशियन, ये वीडियो जो नया नया इलेक्ट्रीशियन है वो लोग भी देख सकता है, तो वो लोग को भी समझ में आएगा कैसे मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग किया जाता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसा आ रहा है तो मैं इसको पहले एक बार खोल लेता हूँ, उसका बाद थोड़ा खोल के मैं इसको देखता हूँ इसमें थोड़ा क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसका बाद मैं अब लोग को दिखाता हूँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लग लगा चेक करने के लिए इसको मैं खोल लेता हूँ, ये बोर्ड को मैं हटा दिया हूँ। तो उसका बाद देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ तो मान लीजिए इसमें ज्यादा कोई लोड आपने दे दिया है, तो मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए इधर एक ओवरलोड स्विच लगा है, तो जिसमें क्या है ये ओवरलोड हो जाएगा तो ये बाहर आपका ऐसा निकल जाएगा, तो उसको थोड़ा टाइम रुक के गर्म हो जाता है, थोड़ा टाइम रुक के इसको आप एक बार प्रेस कर देगा ऐसा करके, तो ये रिसेट हो जाएगा, फिर से ये काम करने के लिए शुरू कर देगा। तो ये बेसिक चीज है, दूसरा काम है, ये आप लोग कर सकता है, उससे ज्यादा आप लोग को घर पे ये वाला नहीं करना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं पहले इसको थोड़ा ओपन कर लू, देखिए दोस्त मेरा अभी ओपन हो गया है। मैं इसको खोल के इसका जो कवर है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, बाद में अंदर में क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये खोल लिया है मैं, देखिए इसका अंदर जो है, जो आपको रिसेट वाला बॉटम दिखा है, ये हमारा ये स्विच है, इसमें से ये वाला जो है रिसेट हो जाता है, कभी ओवरलोड आएगा कूद जाएगा तब जाके रिसेट हो जाता है। इसमें देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, ये हमारा एक मोटर है, ये वाला ये मोटर है, इसका देखिए कॉइल बाइंडिंग ऐसा हुआ है इसके अंदर। इसमें और एक चीज लगा है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये देख पा रहा है ये हमारा मोटर है, इसमें अंदर में ऐसा रोटरी लगा है, रोटरी है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है ये रेगुलेटर है, इसमें देखिए ये वाला रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर से आप इसमें स्पीड कम ज्यादा होता है, मोटर में रोटेशन जो होता है उसका स्पीड कम ज्यादा होता है। मान लीजिए कभी भी ये मान लीजिए स्विच काम नहीं कर रहा है, तो मैं आप पहले इसको ओपन करके इधर जो वायर जो लगा है वो वायर सही लगा है कि नहीं लगा है वो आपको देख लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इधर कोई वायर काट गया होगा तब जाके ये स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाएगा, नहीं तो इसमें और एक प्रॉब्लम आता है। ऐसा होगा तो आप पहले ये वाला देख लेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो ये स्विच बदलवा देने का, तो आपका ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये आपका चलेगा, तो इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं आएगा। तो आया है आपका पावर वाला जो सप्लाई आया, देख रहा है ये पावर वाला, ये रेड वाला जो कलर है ये हमारे रेगुलेटर में आया है, इसको ऑन करने से एक एक स्पीड का सप्लाई एक कॉइल में मोटर का कॉइल में जाता है, तब जाके ये मिक्सर ग्राइंडर चलता है। और जो ब्लैक कलर हमारा रिसेट करने के लिए, जैसे ओवरलोड हो जाता है तो उसका एक स्विच दिया है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके पास गया है, उधर से आउटपुट निकल के हमारा कॉइल में गया है। कि वायर देखिए ये एक प्रॉब्लम है हमारा पास, ये चल नहीं रहा था, देखिए ये वाला जो वायर है ये पूरा ढीला हो गया है, इधर से पूरा खराब हो गया। और जो सोल्डिंग आता है, सोल्डिंग वायर से इसको थोड़ा सोल्डिंग कर दूंगा तो ये बराबर कनेक्टिविटी बन जाएगा। तो उसमें और कुछ हमको प्रॉब्लम अभी नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ, उसका बाद में आप लोग को दिखाता हूँ इसमें बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखिए मैं इसको जो है पूरा मैं बाहर निकाल लिया हूँ मोटर को, इसको थोड़ा अच्छा से थोड़ा साफ सफाई करके ये जो वायर का ये सब कट गया है, थोड़ा टेप टेप लगा के इसको मैं रेडी करूंगा। इसका देखिए ये जो कार्बन ब्रश है ये आपको पूरा पहले आपको ये सीधा कर देना पड़ेगा, उसके बाद देखिए इसमें कार्बन ब्रश लगा है, ये देख पा रहा है, ये देखिए ये कार्बन ब्रश है,
इसका अंदर में ये जो रोटरी है इसमें कार्बन ग्लास लगा है, ये कार्बन ग्लास कभी भी मतलब घिस के खत्म हो जाता है तब आपका मिक्सर नहीं चलता है। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन है उसको मालूम होना चाहिए, ये चीज आपको देख लेना पड़ेगा जो इसमें जो कार्बन ब्रश लगा है वो खत्म हो गया क्या। वो खत्म हो गया तो आपको ये वाला जो होल्डर है, ये कार्बन ब्रश का होल्डर है, इसको खोल के आपको नया वाला कार्बन ब्रश लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका चलेगा। ये जो ग्रीन कलर का जो वायर देख रहे हैं ये हमारा अर्थिंग के लिए यूज किया है। मोटर मोटर जो बैठता है ना ये वाला पिन में, ये वाला पिन में ये जो ब्लैक कलर का देख रहा है इसमें मोटर अच्छा से बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी जो ओपन किया है आप लोग देख रहे हैं इसमें देखिए बराबर कोई काम किया था, इसको बराबर बैठाया नहीं है मोटर को, ये देख पा रहे कैसा बैन हो गया, मतलब इसका अंदर से आया नहीं है। तो ये आपको ध्यान से बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर से नहीं आएगा, जब इसमें कुछ लगाएगा तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा। फिटिंग लगा लिया हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा बराबर के जो कार्बन का होल्डर है होल्डर के पास जो वायर लगा है इसको थोड़ा मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि वायर लूज कनेक्शन वजह से भी ये कभी कभी चलता है नहीं चलता है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको सोल्डिंग जो है इसको थोड़ा बराबर कर दे रहा हूँ। अभी मैं इसमें देखिए जो वायर जो कट गया था इसमें जो इंसुलेशन है वो थोड़ा खराब हो गया, तो इसमें मैं टेप लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये कट कहीं पे बॉडी में टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, तो इसको मैं अभी मैं और जो ये आर्थिंग वाला थोड़ा लूज था इसको मैं टाइट कर, इसके अंदर इसमें बियरिंग लगाया तो अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इसको खोलना पड़ा होगा, ये दो नाट खुलेगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये निकल जाएगा, तब आप अंदर से इसका जो बियरिंग लगा है वो आप इसको चेक करके चेंज कर सकता है। रबड़ था, ये रबड़ थोड़ा मतलब पहले जो फिटिंग किया था तो बराबर शायद फिटिंग नहीं हुई, रबड़ के अंदर ये बैठा नहीं था, तो ये थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ, अभी मैं इसको रबड़ के अंदर ही बैठाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नहीं बैठाएगा तो इसमें वाइब्रेशन आएगा। रबड़ जो है उसका अंदर मैं बराबर बैठा दिया हूँ, तो अभी जो इसका ऊपर वाला कवर है इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहले मोटर कैसे हिल रहा था अभी देखिए, मैं इसको इसका जो रबड़ का जो प्लेस है उसमें बैठा के इसको बराबर में टाइट कर दिया हूँ। दोस्त अभी मैं मिक्सर ग्राइंडिंग पूरा मैं देखिए पूरा फिटिंग कर दिया हूँ, तो अभी मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं अभी इस स्विच को ऑन कर दिया, अभी मैं चालू करके देख रहा हूँ, इसमें तीनों स्पीड है तो तीनों स्पीड में चल रहा है, तो अभी मैं मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है ये सही हो गया। तो आप लोग भी ऐसा इसको जो इलेक्ट्रिशियन है वो ऐसा रिपेयरिंग कर सकता है, और जब घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा इमरजेंसी में तो बंद हो जाएगा तो आप लोग क्या करने का, पहले इसको ऐसा उल्टा करके सीधा इसका नीचे में देख रहा है ये जो है ये रिसेट करने के लिए पुश बटन ओवर लोड में, तो इसको आप प्रेस करके ऐसा रिसेट करने के लिए दिया गया है, तो इसको पहले एक बार देख लेगा, नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिशियन का दुकान में लेके जाके चेक करके सही करके लेके। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमारा वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए, और एक रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल में नया है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वाला वीडियो दिखा सकता हूँ। आज के लिए इतना तक, धन्यवाद।